तो यूजर फॉर्म, हम आज यूजर फॉर्म पे ब्राउज बटन और ब्राउज बटन के जरिए फाइल की एक्सेस को हम यूज करने वाले हैं कि फाइल की एक्सेस वगैरह हम करेंगे. रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दी है और फाइल की दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड वो हम आपको आज बताएंगे. सबसे पहले हम एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं यहाँ पे. हालांकि ये चीज़ हम एक्सेल सीट पे भी कर सकते हैं. देखिए एक्सेल सीट पे उतना वो इंटरफेस अच्छा नहीं लगता, मतलब उतना मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, वो लुक और वो मज़ा नहीं आता सर. लेकिन यूजर फॉर्म में वो चीज़ें मज़ा आएगी. तो हमने एक यूजर फॉर्म डिजाइन किया, इसमें हमने कमांड बटन लिया और यहाँ पर हमने लिखा ब्राउज या फिर ओपन या सेलेक्ट, ये लिख सकते हैं आप सेलेक्ट फोल्डर, राइट. अब सबसे पहला काम ये करना है कि जब प्ले होगा तो यहाँ जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करते हमें एक पॉपअप दे, डायरेक्टली पॉपअप दे जहाँ पे हम फोल्डर सेलेक्ट करें तो फोल्डर का पाथ जो है इस टेक्स्ट बॉक्स में आ जाए. सबसे पहले एक कोड हमें करनी है तो फोल्डर के ऊपर हम डबल क्लिक करते हैं और यहां होता है बिथ, यहां पे बिथ कमांड लगाता हूं मैं, बिथ एप्लीकेशन डॉट फाइल डायलॉग. फाइल डायलॉग में हम यहां ब्रैकेट में देते हैं, यहां देखिए MSO फाइल डायलॉग फोल्डर पिकर, और इस फोल्डर पिकर को हमने यहाँ पे डाला. फिर यहाँ पे लिखते हैं इनिशियलाइज यहाँ पे एक डिफॉल्ट फोल्डर पाथ आपको देना होगा. जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ डी ड्राइव का हमने दे दिया, उसके बाद यहां पे आता है टाइटल. टाइटल में हमने यहां पे दिया सेलेक्ट फोल्डर, उसके बाद यहां हम देंगे मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू इक्वल टू डॉट सेलेक्टेड आइटम्स, यहाँ पे वन हमने दे दिया और यहाँ पे मैं एंड बिथ कर देता हूँ. इस बार ये जो फॉर्म को ओपन करते हैं हम बटन भी क्लिक करते हैं. एक मिनट मेरी प्रोसीजर आर्गुमेंट ओके हाँ आइटम्स यहां पे 1,0 और उससे पहले हमें यहां पे देना होगा डॉट शो. अगर डॉट शो नहीं करते हैं तो शो ही नहीं करेगा, ये इंपॉर्टेंट कोड है ओके. अब यहां पे मान लीजिए हमने फोल्डर को लिया एंड ओके कर दिया. ये आ गया पाथ, समझ में आया कोड आपको सर?
ये चीज आप यहाँ इस पे भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने इसको कॉलम को बना, ये यहाँ पे कॉलम यहाँ पे, और मैं इसको एक मैक्रो में बना देता हूँ इंसर्ट करके मॉड्यूल्स, और यहाँ पे सब्जेक्ट पाथ के नाम से, और यहाँ हम यूजर फॉर्म में जो हमने कोड इसमें किया ना, ये कोड हम यहाँ भी कर सकते हैं इजीली। बस यहाँ जो हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया है इसके जगह पे हम लेंगे रेंज A1 डॉट वैल्यू, और यहाँ हम एक बटन असाइन करेंगे, उस बटन के ऊपर, चलिए हमने कमांड बटन कर लिया, हमें यहाँ से और एक्स कंट्रोल एक्स बटन में फॉर्म कंट्रोल बटन लेना था, हमने पाथ को ले लिया और यहाँ पे हमने दे दिया सेलेक्ट, ठीक है। अब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे आ गया हमारा, हमने ओके कर दिया, ये पाथ हमारे पास, ये समझ में आया कोड आपको? किसी को डाउट इस कोड में? हाँ सर। साहू जी समझ में आया, विजय जी समझ में आया, आतिश जी समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर समझ में आया, लेकिन सर, ये थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर। इसका यूज कहाँ पर करेंगे ज्यादातर? हाँ, इसका यूज ब्राउज के लिए हो गया ना सर। जैसे कि अब मान लीजिए मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, अभी आगे बताना चाहता हूँ मैं आपको, कि जब मैंने ब्राउज कर लिया तो इसमें क्या है कि मुझे इसके नीचे मुझे लिस्ट बॉक्स में इस लोकेशन के सारे एक्सेल फाइल का लिस्ट दिख जाए, ठीक है, सारे एक्सेल फाइल का लिस्ट मुझे दिख जाए। तो चलिए इस पे हम नीचे कोड करते हैं। तो सबसे पहले एक डुप्लीकेट वाली जो कोड मैंने बताई थी आपसे डिस्कस किया था, एक वही करते हैं, ये डिम डीटी एज ए न्यू कलेक्शन। तो न्यू कलेक्शन नाम का एक आइडिया बनाते हैं और लूप चलाते हैं, यहाँ नहीं लूप नहीं, नहीं नहीं लूप नहीं, माफ़ कीजिएगा, तो डुप्लीकेट की जरूरत नहीं है ना, हमें यहाँ पे फाइल का पास चाहिए तो डुप्लीकेट होता ही नहीं है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे करना है एक टेक्स्ट लेना है स्ट्रिंग, डिम एफ एज ए स्ट्रिंग। अब यहाँ पे मैं करता हूँ कि एफ इक्वल टू डी आई आर, और डी आई आर के अंदर में हम देते हैं पाथ, जो पाथ होगा ये जो सिलेक्ट करके लाएगा पाथ, वो पाथ होगा मतलब कि टेक्स्ट बॉक्स वन की वैल्यू, मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू, और इसके साथ हम कॉन्कैटेनेट के में ये पाथ देंगे, पाथ स्टार डॉट एक्सएलएस स्टार, और इसमें हमने दे दिया वीवी नॉर्मल। तो सारे फाइलों का लिस्ट डायरेक्टली फंक्शन क्या करता है कि आप यहाँ पे लोकेशन दीजिए और साथ में फाइल का इनिशियल नेम या एक्सटेंशन दीजिए, उसको मैच करेगा और सारा का सारा लिस्ट ले लेगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि एफ क्या है, एफ है हमारा स्ट्रिंग, एफ एक स्ट्रिंग है, तो एफ स्ट्रिंग होने के कारण एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है कि एक बार में एक ही फाइल ले, तो यहाँ पे हम जो लूप लगाएंगे वो डू लूप लगाएंगे कि डू वाइल एफ इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक और मी डॉट लिस्ट बॉक्स, लिस्ट बॉक्स डॉट एड आइटम, और यहाँ पे हम कर देते हैं एफ, और फिर एफ इक्वल टू डी आई आर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे लूप। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो इसने क्या किया कि जितनी भी फाइल लिस्ट है सारा लिस्ट इसने निकाल लिया, जितने भी फाइल लिस्ट है वो फाइल लिस्ट यहाँ निकाल लिया इसने,
ठीक है। और फिर इसने वन बाय वन दिया, इसने इसने लिस्ट बॉक्स को दिया, फिर एक जो नीचे वाला कोड जो है एफ इक्वल टू डी आई आर, वो क्या कर रहा है कि दूसरी फाइल नेम को इस पर लोड कर रहा है। अब देखिए, अब इस यूजर फॉर्म को हम प्ले करते हैं। जब इसे हमने प्ले किया, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूँ एंड ओके किया, तो देखिए जितने भी फाइल लिस्ट यहाँ पे आ गए। आगे सर, अब जैसे कि साहू जी, आपको मैं इससे पहले की क्लासेस में समझाया था कि एक फाइल में जितने भी शीट्स हैं वो सारे शीट्स का डेटा जो है एक शीट पे लाना, बताया था ना सर? हेलो विजय जी, यस सर। तो लास्ट टॉपिक जो मैं बताई थी आपको 6:30 में, सॉरी 7 की क्लास में, कि हमने कई एक कई सारे शीट्स का डेटा एक शीट्स पे कॉपी पेस्ट किया था, ये किया था? जी जी। अब अगर आपको एक पर्टिकुलर फोल्डर के सारे फाइलों का डेटा एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे लाना हो, तो उसके सबसे पहले क्या जरूरत पड़ती है? लिस्ट ऑफ फाइल की। लिस्ट ऑफ फाइल के लिए आपको क्या है कि यहाँ एक कोड जो मैंने अभी दिखाया आपको, इस कोड की मदद से लिस्ट ऑफ फाइल आप ला सकते हैं, समझे? ओके। अब इसमें ब्राउज बटन क्यों काम किया? कि अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप ब्राउज बटन ना लगाएंगे तो मैनुअली यहां जहां टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है ना, यहां पे मैनुअली आपको फाइल फोल्डर का पाथ देना पड़ेगा, मतलब ये एक फिक्स फोल्डर हो जाएगा, समझे जी? तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्राउज बटन बनाया और यहाँ से फाइल लिस्ट आ गया, अब मैं इसी कोड को, जो कोड दिख रहा है, इसी कोड को मैं एक माइक्रो में रखता हूँ। अब इस कोड को रन करने पे यहाँ पे जहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है वन है, उसके जगह पे रेंज A1 सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, रेंज A1 डॉट वैल्यू। उसके बाद हम यहाँ पे जो लिस्ट बॉक्स का आइटम है उसके जगह पे मैं यहाँ एक वेरिएबल यहाँ पे लेता हूँ, आर इक्वल टू आर प्लस वन ऐसे ले लिया मैंने, और हमने लिखा रेंज ए के साथ हमने आर को कंबाइन किया और डॉट वैल्यू इक्वल टू एफ, और यहाँ पे आर इक्वल टू में 5। अब जैसे इस माइक्रो को हम प्ले करेंगे तो आप देखेंगे कि सारे फाइल का लिस्ट यहाँ आ गया। तो अगर आप मान लीजिए कि ब्राउज बटन, ये अगर मान लीजिए ब्राउज का यूज इससे पहले वाले लाइन कोड यूज ना करते, तो जो पाथ है ये पाथ आपको बार बार मैन्युअली फीड करना पड़ता। तो ब्राउज बटन का क्या यूज है समझ में आ गया आपको? जी सर। क्लियर है सर, डाउट इसमें? सर हाँ बोलिए। हमने लिखा है रेंज A1 डॉट वैल्यू बराबर है सिलेक्टेड आइटम 1, ये जो 1 है इसका मतलब क्या है यहाँ पे? सर रो नंबर चाहिए ना सर, तो क्योंकि मैं 5 से स्टार्ट करना चाहता हूँ ना, तो जी सर R पे 5 कर दिया और फिर हमने R इक्वल टू 1 मतलब कि एक इंक्रीज करते गया और यहाँ पे क्या हुआ 6 हो जाएगा, उसके बाद 7 8 9 10 ऐसे डालते चला जाएगा। सुधीर सर मैं ऊपर जो लिखा हुआ ना सिलेक्टेड आइटम्स ब्रैकेट में 1, ये जो 1 का मतलब क्या है यहाँ पे ऊपर? यस हाँ, इसका मतलब फाइल सिलेक्ट हुई है 1 फोल्डर या 1 फाइल, इसके अंदर में आप एक से ज्यादा फाइल भी सिलेक्ट फोल्डर सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए मतलब आप बताऊंगा, पहले आप इसको तो सीख ले क्या सेकेंड पोजीशन से, उसमें आपको यहाँ पे लूप लगाना पड़ेगा, एक एक आइटम को वापस लाना पड़ेगा, ठीक है?
इसी में आप होता है ना डॉट मल्टी सेलेक्ट करके आएगा यहाँ पे, अलावा मल्टी सेलेक्ट दिख रहा है ना, इसको ट्रू करना पड़ता है, इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही ये सिलेक्ट होगा तो एक से ज़्यादा फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं सिर्फ के साथ। उससे पहले हमको लेना था, हमें शो के बात कर दिया। अब इसको जाए कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके या कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट कर लिया मल्टीपल फाइल, वो सिर्फ फाइल्स के लिए होता है, फोल्डर के लिए नहीं होता है, मार्क कर लिया, फाइल्स के लिए होता है। इसमें क्या है कि जब डायलॉग बॉक्स जो है ना, इसमें फाइल्स का भी ऑप्शन है ना, फाइल्स का भी ऑप्शन है मल्टी सेलेक्ट, अलाउ मल्टी सेलेक्ट इक्वल टू टू। अब वापस बढ़ते हैं अपने इस प्रोजेक्ट की तरफ। अभी जो प्रोजेक्ट में हमारा है कि हमें हमने यहाँ पे अपना फोल्डर सेलेक्ट किया और उस फोल्डर का पाथ हमें यहाँ आ गया और सारे फाइल लिस्ट आ गए। अब मैं यहाँ पे दो चीज़ करना चाहता, अब यहाँ पे एक बटन मैं बना रहा हूँ, एक बटन आपको बनाना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दो बटन है, एक पहला है हमारा वो है डिलीट, मैं चाहता हूँ कि जब इस पे क्लिक करूँ तो डिलीट हो जाए। दूसरी बटन जो मैं बनाना चाहता हूँ वो बनाना चाहता हूँ मूव, ठीक है। तो जैसे कि डिलीट पे हम कोड करेंगे, डिलीट पे जो हमारा कोड होगा ये रहा, इसमें लिखेंगे किल, किल और इसमें पाथ देना है तो मी डॉट टेक्स बॉक्स वन डॉट वैल्यू, इसके साथ हमने कंबाइन किया स्लैश और फिर एम्परसेंट मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी फाइल जो है डिलीट हो जाएगी। जैसे कि इसको हम प्ले करते हैं, सेलेक्ट हमने इसको हटाया एंड ओके, हमने इसको सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। तो यहां से लिस्ट नहीं हटा ना, लेकिन आप अपने इसमें देखेंगे अब नेक्स्ट टाइम जब रन करेंगे तो वो देखेंगे कि वो फाइल नहीं होगा, यहां पे नहीं है, थ्री नहीं है ना, हमने थ्री को किल कर दिया, हटा दिया। लेकिन मैं चाहता हूं डिलीट करने के बाद यहां अपडेट हो जाए, तो क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए यहां पे देखेंगे सबसे पहले मी डॉट लिस्ट बॉक्स, यहाँ सॉरी माफ कीजिएगा, लिस्ट बॉक्स वन डॉट क्लियर, पहले तो क्लियर करेंगे और फिर हम इस पाथ इसको वापस रन कर लेंगे। अब दो दो जगह है तो फंक्शन बना के डाल सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे डायरेक्ट डाल सकते हैं। तो अब जब मैं इसको प्ले करूँगा यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर और यहाँ पे फोल्डर क्लिक करके ओके किया, यहाँ पे मैंने सिक्स को सिलेक्ट करके डिलीट कर लिया, तो देखिए यहाँ से सिलेक्ट लिस्ट से गायब हो गया। ये चीज़ आप सिस्टम को भी कर सकते हैं, इस पर विदाउट यूजर फॉर्म के बगैर भी कर सकते हैं। अब मूव मतलब कि जब मैं मूव पे क्लिक करूँ तो एक और ब्राउज का बटन आए और जो फोल्डर सिलेक्ट करूँ उस फोल्डर में मेरा फाइल मूव हो जाए, समझे। एक कोड आपको खुद से करना है आप सभी को। अब ये चीज अभी यूजर फॉर्म नहीं पता है तो इसको आप एक्सेल शीट पे भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। अतीत जी, विजय जी एंड साहू जी, सर द रिकॉर्डिंग हैज स्टॉप, ठीक है। तो इसकी आप लोग करके मुझे भेजें और